आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी का क्रिस्पी पकौड़ा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर गोभी लिया है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। इसका जो पकौड़ा बनता है खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगता है। तो शुरू करती हूँ मैं इसे बनाना। तो गोभी को हमें स्टीम करना है, तो उसके लिए मैंने पैन रखा है और इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे और इसके ऊपर से हम जाली डालेंगे। तो यहाँ पर पानी है जो गर्म हो गया है, तो इसमें हम गोभी को डाल देते हैं। पकौड़ा है जो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो 10 मिनट के लिए हम इसे ढक्कन से ढक देते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। ये है मैंने यहाँ खड़ा ये धनिया पत्ता लिया है, यही मैंने 2 मिर्च लिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 1 मैंने प्याज लिया है और थोड़ा सा मैंने लहसुन लिया है। इन सबको मिक्सी में डाल के हम पीस लेते हैं। तो यहाँ मैंने मिक्सी में डाल लिया है, अब मैं इसे पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने इसे पीस लिया है, मैंने इसे थोड़ा दरदरा ही पीसा है। तो यहाँ पर को ढक्कन हम हटा लेते हैं और गोभी भी अच्छे से स्टीम हो गया है। ये देखिए ये बिल्कुल ही पक गया है। तो गोभी हल्का पक गया है तो हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ गोभी को एक प्लेट में रख दिया है और इसमें मैंने पिसा हुआ मसालों को हम डाल देते हैं और इसे अच्छे से गोभी में मिला लेते हैं। ऐसे 5 मिनट तक हम ढक कर रख देते हैं ताकि अब कोट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने गोभी में अच्छे से मसाले को मिला लिया है, इसे हम ढक कर रख देते हैं। तब तक हम बेसन का तैयारी कर लेते हैं। आधा कटोरी बेसन लिया है और इसमें आधा कटोरी मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है, आधा चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है, स्वाद अनुसार मैंने यहाँ नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने यहाँ अजवाइन डाला है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बिल्कुल इसे गाढ़ा घोल हम तैयार करेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो इसकी जगह आप इसमें आप सूजी भी डाल सकते हैं या तो ये चावल का भी आटा इसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल गाढ़ा घोल तैयार किया है, बिल्कुल इस तरह का घोल होना चाहिए। 5 मिनट हो गया है, गोभी हमारा सेट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने गैस पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम घोल में गोभी को इस तरह से डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। हाँ, हमारा तेल भी गर्म हो गया है, तब हम इसमें गोभी को पकौड़ा कर डालते जाएंगे। 1 बार में जितना आटे उतना ही इसमें डालना है। अब हम इसे दूसरे तरफ पलट लेते हैं और इसी तरह हम उलट पलट कर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। जब भी आप पकौड़ा तलते हैं तो बिल्कुल ही मीडियम गैस पर इसे तले ताकि ये अंदर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। दोनों तरफ ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन का हो गया है तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सारे पकौड़े को तल लेंगे। इसी तरह से हम सारे पकौड़े को तल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे पकौड़े को तल लिया है, अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको सर्व करके दिखा दिया है, आप अपने मन पसंद सॉस चटनी के साथ इसे खा सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। जब भी आप गोभी का ये पकौड़ा बनाते हैं तो आप इसे स्टीम करके बनाएं, इससे इसका स्वाद भी ख़राब नहीं होता है, खाने में भी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगता है। बॉयल करने से इसका जो गोभी का स्वाद है जो ख़राब लगता है। तो आप इस तरह से एक बार ट्राई करें, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।